टर्मरिक पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी हींग, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो इसका गाढ़ा बैटर ही तैयार करना है। हाँ, तो इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो भाई आप देख सकते हैं इस तरीके से घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये इस तरीके से आप इतना गाढ़ा रहेगा ये। तो इसमें ये देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी बूंदी जैसी दिख रही है, इसको अच्छे से फेंट देंगे। थोड़ा हाथ से भी इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस, पेस्ट बनके तैयार हो गया है और मैंने इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा ही बनाया है। गिरने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से गिरता है। इस तरीके से डो तैयार हो गया। ना ज़्यादा पतला करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, और इतना जो आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा बैटर बना के तैयार करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितने मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो भाई 10 मिनट हो चुका है और इस तरीके से पेस्ट बन के तैयार हो गया है। गैस को ऑन करेंगे और उस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और पेस्ट आप देख सकते हैं परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। मैंने लिए हरी मिर्च, हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च फ्राई करने के लिए पीस से इस तरीके से लगा देंगे। तो ऑयल को गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और जो मैंने आलू की टिक्की जो तैयार करके रखी थी, जो आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो इसमें से पहले टिक्की एक ले लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें डालेंगे बेसन में। इस टिक्की को इस तरीके से लपेट लेंगे अच्छे से, और आप देख सकते हैं इस तरीके से गाढ़ा घोल है ताकि ये गिरे नहीं। अब इसमें डाल देंगे इसी तरीके से दूसरी भी टिक्की डाल देंगे और आलू को इस तरीके से टिक्की को नहला नहला कर और इसमें डाल देंगे एक एक करके। जितना अवेलेबल हो उतना ही डालना है। तो इस तरीके से, तो ये कैसा पीस सकते हैं कि बड़ा पाव, मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं बड़ा पाव के लिए पकौड़ी। तो इसको गाइस आप भल्ले भी बोल सकते हैं, बेसन के भल्ले। इस तरीके से गाइस बेसन के भल्ले भी बनते हैं, इसको चाहे तो आप भल्ले बोल सकते हैं या बड़ा बोल सकते हैं। तो ये बड़ा है पाव, दूसरा होता है पाव बंद के लिए कहते हैं। तो ये है हरी मिर्च, साइड में हरी मिर्च डाल देंगे। तो ये हरी मिर्च को निकाल लेंगे, फ्राई हो चुकी है, उसको पलट देंगे। तो ये बड़ा यानी पल्ले एक तरफ से चुके हैं, दूसरी तरफ पलट देंगे। और हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है, हरी मिर्च को निकाल लेंगे। इस तरीके से हरी मिर्च अच्छे से फ्राई कर ली है बड़ा पाव के साथ खाने के लिए, और इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये रहेगा इस पाव, इसको पाव को पीस के मैंने काट लिए हैं। और ये रहा बड़ा, तो इसको चाहे तो आप बल्ले भी बेसन के बोल सकते हैं, मैंने पहले भी अभी बताया था। तो ये बल्ले बनके तैयार हो गए हैं बड़ा। अब जो मैंने हरी मिर्च फ्राई कराई थी, तो इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, एक चुटकी, और इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला। तो ये परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। अब ये पाव भी बनके तैयार हो गए हैं, इसको सर्व कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से। तो बना सकते हैं परफेक्ट। तो ये रहा बेसन के भल्ले। तो गैस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसन के भल्ले बनके तैयार हो गए हैं। और इस